हमने कल डिस्कशन शुरू किया था वर्टिकल सर्कुलर मोशन का। यहां पे एक आपका पाइवोट है, हिंज है, एक धागा है उसके साथ, और यहां पे एक मास m लटका हुआ है। यहां से आप इसको कुछ पुश करेंगे, कुछ वेलोसिटी देंगे, तो सवाल ये है कि कितनी वेलोसिटी दें कि ये पार्टिकल ए पे था और बी तक पहुंच जाए। अगला सवाल अभी आएगा कि कितनी वेलोसिटी दें कि वो अपना पूरा सर्कल कंप्लीट करते हुए वापस आ जाए। ठीक है, तो ये डिस्कस किया था हमने कल। ए से बी की जर्नी में जब आपका ये पार्टिकल, आपने यहाँ पे इतनी वेलोसिटी प्रोवाइड की कि वो बी तक, बी से पहले पहले रहे, तो इस केस में क्या खास बातें थी? टेंशन कहीं भी जीरो नहीं रहेगी ए टू बी के बीच में। ठीक है, दूसरी बात, हाँ, एक्सट्रीम पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी जीरो रहेगी। ठीक बात है। और फिर आपने एनर्जी कंजर्वेशन लगा के निकाल ली थी, क्या वो कितनी आई थी? अंडर रूट टू जी आर। ठीक है, आपने एनर्जी कंजर्वेशन लगा के यहाँ पे आपने लगाया हाफ एम वी ए स्क्वायर प्लस जीरो। इस रेफरेंस पॉइंट पे आपने पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान ली, और वहां पे कितनी हो गई? एम जी आर प्लस जीरो, क्योंकि एक्सट्रीम पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हुई, आपने जस्ट वहां तक पहुंचाया है। तो वी ए कम्स आउट टू बी रूट टू जी आर। ये कब की है? मिनिमम वेलोसिटी शुड बी गिवन एट पॉइंट ए सो दैट पार्टिकल रीचेस टू द पॉइंट बी। अब अगला सवाल है आपका कि पार्टिकल जब ऊपर जाएगा तो यहां पे अब कितनी वेलोसिटी आप उसको देंगे? सबसे पहले आप ये बताएं, अगर आपने कोई झूला है, कोई भी चीज है ऐसे फेंकी, तो ऐसा हो सकता है क्या कहीं पे जाके धागा स्लैक कर जाए और वो इस सर्कल में कंप्लीट ना करने के बजाय ऐसे आ जाए? आप अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस से बताएं, आपने कोई चीज यहाँ पे ऐसे लटकाई, उसको ऐसे वेलोसिटी दी, तो पूरा सर्कल नहीं करेगा बट बी को क्रॉस कर गया है, बी को क्रॉस कर गया है, तो वो ऊपर जाके क्या कहीं पे ऐसे आएगा? हाँ जी, जब वो, जब भी धागा आपका इस सर्कल के पार्ट को छोड़ेगा उस समय आपकी टेंशन जीरो हो जाएगी क्या? जब तक है ना, जब तक धागा ऐसा कसा हुआ है तब तक टेंशन नॉन जीरो है, और जैसे ही धागा स्लैक हुआ तो आपकी टेंशन जीरो हो जाएगी। अब आप अगली बात बताएं, जब इसकी टेंशन जीरो होगी, धागा स्लैक होगा, उस मोमेंट पे क्या इसकी वेलोसिटी जीरो होगी? ये आपको सोच के बताना है अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस के आधार पे। होगी? नहीं होती? आप ही घर पे ट्राई करना आज, ऐसे कोई चीज लटका के, जब आप वो ऊपर जाएगा ना, जब वो वहां से रास्ता छोड़ेगा तब तो उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, बल्कि वो यहां से इस हाइट से कुछ ऊपर जाके फिर ऐसे आएगा। फील कर पा रहे हैं क्या? नहीं कर पा रहे? तो ये आपको करके देखना पड़ेगा घर पे जाके, कि जब इसको आप ऐसे वेलोसिटी देंगे तो एक पॉइंट पे जहां पे वो धागा स्लैक होता है वहां पे वेलोसिटी जीरो नहीं होती और टेंशन जीरो होती है। करके देखा होगा। एक्चुअली इसमें आप एक एग्जांपल और देख सकते हैं। जैसे आपने कभी ऐसा देखा है कि घर में ना बच्चे का झूला डालते हैं हम, तो कई बार वो झूला लटकता है, फर्श पे टच टच करता है, तो हम क्या करते हैं उसको छोटा करने के लिए ना उसको एक लपेटा और दे देते हैं किसी चीज का, है ना? जब वो लपेटा देंगे आप, तो वो, जब मान लो कि आपने वेलोसिटी दी और वो इतनी एफिशिएंट नहीं थी, पूरी नहीं थी कि पूरा चक्कर काट पाए, रास्ते में जहां पे वो धागा स्लैक होगा वहां पे आपकी वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। ये बात आपको ऑब्जर्व करनी है। अगर आप अब तक तो ऑब्जर्व नहीं की है तो अब ऑब्जर्व करनी है, आज जाके देखना है कुछ करके ऐसा। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि यहां से जब आप बी से, आपकी जर्नी जब बी से सी होगी, तो जिस पॉइंट पे आपकी टेंशन जीरो होती है, द पॉइंट
एट विच टेंशन बिकम्स जीरो वेलोसिटी इज नॉट जीरो। जहां पे आपकी टेंशन जीरो होती है वहां पे आपकी वेलोसिटी जीरो नहीं होती। लास्ट पॉइंट पे टेंशन जीरो होने का मतलब है जैसे धागा स्लैक करेगा उस पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी जीरो नहीं होती। पूछना है कुछ? अब अगली बात, अगर हमें यहां पे इतनी वेलोसिटी देनी है कि वो सर्कल पूरा कंप्लीट करे, सर्कल पूरा कंप्लीट करेगा कब? जब धागा स्लैक ना करे, और धागा स्लैक ना हो तो टेंशन जीरो नहीं होगी। तो आपको यहां पे इतनी वेलोसिटी देनी है कि ऊपर जाते जाते ऐसा हो कि यहां पे जाके टेंशन जस्ट जीरो हो, क्योंकि एक्सट्रीम पॉइंट पे आपकी टेंशन यहां पे जीरो होगी, उस समय पार्टिकल के पास मोमेंटम होगा, है ना। मैंने कहा कि जहां पे टेंशन जीरो होती है वहां पे वी जीरो नहीं होती। एक्सट्रीम पॉइंट पे जब इसकी टेंशन यहां पे जीरो, जस्ट इस पॉइंट पे जीरो होगी, उस समय आपका आपकी वेलोसिटी जीरो नहीं होगी और वी जीरो नहीं होगी, तो वो वी मोमेंटम होगा। तो जैसे ही धागा मोमेंटरली यहां पे टेंशन जीरो होगी, उसके बाद फिर से धागा कसा जाएगा और टेंशन आ जाएगी, आपका सर्कल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आर यू गेटिंग इट? तो यहां पे एक बात ये है, सेकंड वाले केस में अगर आपको यहां पे इतनी वेलोसिटी देनी है कि आपका पार्टिकल सी तक पहुंच जाए, तो ध्यान ये रखना है कि इस पॉइंट पर आपकी टेंशन जीरो ना हो, टेंशन जीरो जस्ट हो, ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि यहां पे टेंशन जीरो होगी बट वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। लेट से वेलोसिटी एट पॉइंट सी इज वी सी, ठीक है। बी सी सी पॉइंट पे एट पॉइंट सी आप बताएं, जब टेंशन जस्ट जीरो है तो इसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है? और ग्रेविटेशनल एमजी। तो सी पॉइंट पे जब ये यहां पे है तो एमजी फोर्स लग रहा है, टेंशन का फोर्स है नहीं। अगर टेंशन का फोर्स है नहीं तो दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। तो आप कर सकते हैं दिस इज रियल एग्जिस्टिंग फोर्स एंड इट विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। और वी कितनी है यहां पे? वी इज वी सी, एम कटेगा, वी सी इज रूट जी आर। वहां पे आपने आर कैपिटल लिया था ना, यहां भी कैपिटल ले लें फिर। आपकी सी पॉइंट पे वेलोसिटी अंडर रूट जी आर होनी चाहिए जब ये पार्टिकल यहां पे इसको क्रॉस करेगा। इक्वेशन नंबर वन ये आपकी बन गई है, वीसी आपके पास आ गया। दूसरी इक्वेशन आप लगाएंगे, क्या यहां से यहां तक जाने में एनर्जी कंजर्व रहेगी? क्यों? हाँ, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहा है, एक तो ग्रेविटी एक्ट कर रहा है और दूसरा आपका टेंशन फोर्स एक्ट कर रहा है, उसका वर्कडन तो है ही नहीं, है ना। अगर उसका वर्कडन है ही नहीं तो उसका वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट हो गया, जीरो वर्क डन ऑलवेज। तो आपका कंजर्वेटिव फोर्स है तो आप यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे। सेकेंड इक्वेशन बनाने के लिए आप लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इस पॉइंट पे आपकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी ए स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी आपने रेफरेंस माना है तो जीरो है। जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसकी वेलोसिटी घटेगी और यहाँ पे आते आते वेलोसिटी वी सी हो जाएगी, जीरो नहीं होगी, ये ध्यान रखना, वी सी। तो काइनेटिक एनर्जी विल बिकम्स हाफ एम वी सी स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी गौरव बताएगा? जब ये पार्टिकल यहां से यहां पहुंच गया तो व्हाट इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी? एम जी टू आर, एम जी एच होता है ना आपका, तो यहां से यहां तक जाएंगे तो एम जी एच कितना हो गया? टू आर। टू आर एम से एम कटेगा, वहां से आप वी सी की वैल्यू पुट करेंगे यहां पे और वी ए की निकाल लेंगे, तीनों एम कैसे कट गए? ये एम कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे आ सकता है क्या? अगर दो यहाँ भी है ब्रैकेट बनाएंगे, एम कॉमन आ जाएगा,
और यहाँ भी m कॉमन आ जाएगा, m कट जाएगा ऐसे, ठीक, ये m कट जाएगा आपका, vc की वैल्यू आप यहाँ से यहाँ पुट करेंगे और va निकालेंगे, सब लोग करें ट्राई, vc की वैल्यू पुट करें और va निकालें, हाँ जी, नहीं जी आर स्क्वायर तो नहीं आती शायद, हाँ जी रूट फाइव जी, हाँ जी लिख लिया ये आपने सबने, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ वी सी, ये बन गया आपका हाफ वी ए स्क्वायर इक्वल टू हाफ वी सी की जगह आप लिखेंगे वी सी का स्क्वायर रूट जी आर का स्क्वायर इज जी आर is equals to plus half gr plus 2gr, इसको ऐड करेंगे तो 5 by 2 gr आएगा, ये आपका आ गया half va square, ये 2 कटेगा, va is root 5gr, आप लिख लें क्या है ये वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी गिवन एट पॉइंट ए, आप लिख लें वी ए इज मिनिमम वेलोसिटी गिवन एट पॉइंट ए, मिनिमम वेलोसिटी गिवन एट पॉइंट ए सो दैट पार्टिकल जस्ट कंप्लीट्स सर्कुलर मोशन, जो हमने कल डिस्कस किया था और आज डिस्कस किया है उसकी इक्वेशन में क्या अंतर है, हाँ इसमें यही अंतर है कि एक्सट्रीम पॉइंट पे आपकी काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं हुई है, वो आपकी हाफ एम वी सी स्क्वायर है और वी सी आपने अलग से निकाल रखा है, ये अंतर है इसमें, ठीक है। अब एक बात बताएं आप, अगर आपके पास एक बर्तन में पानी है, डोलू मानो, डोलू जो आपका दूध का डोलू होता है, उसके अंदर उसको अगर आप हाथ से पकड़ के ऐसे वर्टिकली घुमाएंगे तो क्या ऐसी एप्रोप्रिएट स्पीड हो सकती है क्या पानी नीचे गिरे ना, हो सकती है, वो तब होगी जब ये वाली वेलोसिटी आपकी जो नीचे वाली है वो रूट फाइव जी आर से ज्यादा हो, हालांकि इस केस में तो आपका हाथ हमेशा फोर्स लगा रहा है, तो आपको क्या करना है वेलोसिटी इतनी मेंटेन करनी है कि वो गिरे ना, बस ज्यादा वेलोसिटी लगाओगे तो आपका वो नहीं गिरेगा, एक्चुअली वो यही केस है। यहाँ पे आप देखो इस जो पत्थर है इसको गिरने से किसी ने रोका थोड़ी ना है, उसकी स्पीड ज्यादा है इसलिए नहीं गिर पा रहा ना, नहीं तो आपको ऐसा लगता है कि अगर धागा ऐसे है और आप ऐसे छोड़ दो गिरेगा ही गिरेगा, बट उसकी वेलोसिटी ज्यादा है इसलिए वो गिरता नहीं है, तो उसका एप्लीकेशन है। टाइम कहाँ हुआ है ये बताओ, मजा नहीं आया इसमें थोड़ा सा और पढ़ेंगे
बचपन में हमें कहता है कि आपको चॉकलेट मिल जाएगी बेटा, है ना, फर्स्ट आ जाए नर्सरी में, है ना। फिर क्या होता है, साइकिल मिलती है, फिर स्कूटी मिलती है, पीछा कभी नहीं छूटता। तो ये तो लालच मिलते रहेंगे आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने ये पार्ट, इसमें आप एक बात और बताएं, अगर सुने ध्यान से, अगर यही जो केस आपने अभी किया, इसकी दो वैरायटी और करते हैं। अगर ये आपकी रस्सी की जगह एक रोड होती, रोड इज मासलेस, मानना है मासलेस आपको, और उसके साथ में आपने एम मास का एक ब्लॉक अटैच किया है, ठीक है। इस केस में पॉइंट ए के ऊपर आप कितनी वेलोसिटी दें कि ये सी को क्रॉस कर जाए, बहुत ज्यादा कितनी? पहले वाले सवाल में और सवाल में क्या अंतर आएगा? पहले वाले सवाल में ये डर था कि कहीं पे जहां पे आपकी टेंशन जीरो हो जाएगी वहां पे वो गिर जाएगा। यहां पे टेंशन जीरो होने का डर नहीं है, है ना, क्योंकि आपकी रोड है तो वो तो रिजिड है, वो बॉल नीचे नहीं आ सकती। तो टेंशन वाली जो पहली इक्वेशन थी आपको वो लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। आप क्या करेंगे, इसको इतनी वेलोसिटी देंगे कि यहां से ये आगे वेलोसिटी कम करता करता इस पॉइंट पे जस्ट वेलोसिटी जीरो हो जाए, और उसके बाद वो हल्का सा टिल्ट होकर फिर अपना सर्कल पूरा कंप्लीट कर दे। तो आप इस केस में निकालें कि व्हाट मिनिमम वेलोसिटी शुड बी गिवन एट पॉइंट ए सो दैट पार्टिकल जस्ट कंप्लीट द सर्कल। सवाल लिख लें क्या है, व्हाट मिनिमम वेलोसिटी शुड बी गिवन एट पॉइंट ए सो दैट पार्टिकल जस्ट कंप्लीट्स द सर्कल। हाँ भाई ट्राई करो यार, एनर्जी कंजर्व करनी है। देख ले भाई, अगर नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पे आपको जो टेंशन बीच में जीरो हुई थी उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आपको एनर्जी कंजर्व करनी है यहाँ पे और यहाँ पे। यहाँ पे लेट्स से आपकी एनर्जी है हाफ एम वी ए स्क्वायर प्लस जीरो, और फाइनली आपकी वेलोसिटी जीरो हो जानी है। यहाँ पे आप इतनी वेलोसिटी दी है कि वो घटते 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 यहाँ पे जस्ट जीरो हो, तो जीरो हो गई। और पोटेंशियल एनर्जी एम जी टू आर, एम जी टू आर, एम कटेगा और ये आपका आ जाएगा वी ए स्क्वायर इज 4 जी आर। तो वी ए इज रूट 4 जी
अगर आपकी रोड मासलेस रोड के साथ अटैच है तो हमें इस बात की चिंता नहीं करनी है कि टेंशन जीरो होगी। तो सिंपली आप एनर्जी कंजर्व करेंगे, इस केस में कम वेलोसिटी के साथ भी आपका काम चल जाएगा, सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। पहले वाले में रूट 5 GR थी, यहाँ पे रूट 4 GR आई है। हाँ जी, इसी तरह की एक और वैरायटी है। यहाँ पे एक कोई पार्टिकल ऑफ मास m है, ये आपका स्मूथ सर्कुलर ट्रैक है, ऐसे एक ट्रैक है जो सर्कुलर है आपका वर्टिकल प्लेन में। यहाँ पे कितनी वेलोसिटी दें कि ये पार्टिकल पॉइंट ए से बी तक पहुंच जाए, क्या सवाल है? आप कितनी वेलोसिटी यहाँ पे इसको दें कि ये जस्ट बी तक पहुंच जाए। ए से बी में आप ये बताएं पहले, क्या ए से बी में कहीं पे इसका कांटेक्ट छूट सकता है क्या? नहीं छूट सकता। अब अगली बात ये बताएं, जब ये ऊपर मूव कर रहा होगा तो इसको, ये सर्कल में घूम रहा है, सर्कल में घूम रहा है तो एक फोर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी आपको जो सेंटर की तरफ एक्ट करती हो, तो फोर्स कौन सी है जो सेंटर की तरफ एक्ट कर रही है? हाँ जी, फ्रिक्शन है नहीं यहाँ पे, बताएं कौन सी फोर्स है जो उसके सेंटर की तरफ एक्ट करेगी? नॉर्मल रिएक्शन। आप देखें इस सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन जो लगेगा हमेशा वो परपेंडिकुलर लगेगा, वो इस साइड रहेगा। हालांकि एमजी का एमजी भी रहेगा, एमजी का एक कंपोनेंट इस साइड आएगा, एमजी का ये वाला कंपोनेंट और नॉर्मल रिएक्शन का ये वाला कंपोनेंट का नेट फोर्स अंदर की तरफ रहेगा, वो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो अब आप लगाएं इसमें दिमाग की, आप कह रहे हैं कि यहाँ पे कहीं पे कांटेक्ट नहीं छूटेगा, अगर कांटेक्ट नहीं छूटेगा तो नॉर्मल रिएक्शन जीरो नहीं होगा, है ना? ए से बी के दौरान कहीं भी आपका नॉर्मल रिएक्शन जीरो नहीं होगा। तो आप बताएं कि ए पे कितनी वेलोसिटी दूं कि वो बी पे पहुंच जाए, कर सकते हैं, सेम तरह का सवाल है। चेक करें कि कंजर्वेटिव फोर्स है क्या, सारी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लग सकती है क्या? √3 GR? नहीं, √2 GR। सेम केस ही सेम एग्जैक्टली। वहां पे देखिए आप, टेंशन फोर्स लग रहा था ऐसे और उसके जो यहां पे नॉर्मल लग रहा है, वहां भी टेंशन कहीं जीरो नहीं था, यहां भी नॉर्मल कहीं जीरो नहीं है। तो अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यू विल से ½ VA² + 0 = 0 + MgR। एग्जैक्टली सेम एक्सप्रेशन बन रहा है, तो VA becomes √2 GR। ये क्या है? मिनिमम वेलोसिटी शुड बी गिवन एट पॉइंट ए सो दैट पार्टिकल रीचेज एट पॉइंट बी।
इसी का अगला पार्ट करें अब। अब ये बताएं अगर बी से सी पहुंचाना है उसको, मतलब यहां से ए से सी पहुंचाना है, तो क्या कहीं बीच में अगर मैंने सफिशियंट वेलोसिटी नहीं दी तो क्या कहीं बीच में कॉन्टेक्ट छूट सकता है? छूट सकता है। अगर सर्कल कंप्लीट कराना है तो कॉन्टेक्ट नहीं छूटना चाहिए, तो क्या करेंगे, इतनी वेलोसिटी देंगे कि उसका नॉर्मल धीरे धीरे जाते जाते यहां पे जाके नॉर्मल जीरो हो, बट उस समय उसके पास वेलोसिटी होगी, तो जैसे ही आगे जाएगा फिर से नॉर्मल आ जाएगा तो सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। अब निकालें आप, व्हाट वेलोसिटी शुड बी गिवन एट पॉइंट ए सो दैट पार्टिकल जस्ट कंप्लीट्स द सर्कल। रूट फाइव जी आर, एग्जैक्टली सेम सवाल है, कुछ भी अंतर नहीं, बस दिखने में अलग है, बस टेंशन की जगह नॉर्मल फोर्स लग रहा है। ऊपर वाले पॉइंट पे आप पहले क्या निकालेंगे, वी सी, वी सी में आप नॉर्मल को जस्ट जीरो मानोगे, तो आपका एम वी सी स्क्वायर बाय आर विल बी इक्वल टू एम जी, वहाँ से एम सी वी सी आ जाएगा रूट टू जी रूट जी आर, और फिर आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे तो आपका रूट फाइव जी आर आ जाएगा। तो वेलोसिटी एट ए वी ए should be 5gr, ये कौन सा केस है, to reach minimum velocity given at point A to reach B is this, and minimum velocity given to reach point C is root 5gr। अब एक बात और बताएं आप इसके बाद, जैसे जैसे वही स्ट्रिंग वाला केस है, जैसे जैसे वो जो ब्लॉक है मास m है वो ऊपर जाता है तो धागे के अंदर टेंशन कम होगी ज्यादा होगी ऊपर जाते हुए, या हमेशा उतनी ही रहेगी? अब पहले अपने आप रियल लाइफ एक्सपीरियंस से सोच के देखो, जब वो ब्लॉक ऊपर जा रहा होगा तो धागे के अंदर जो टेंशन होगी वो कम होगी ज्यादा होगी या उतनी रहेगी? कम रहेगी पक्का। इसमें आप ऐसे देख सकते हैं, अगर किसी चीज को आप अगर ऐसे पकड़ के ऐसे करते हैं ना, तो आपका जब लोअर मोस्ट पॉइंट होगा वहां पे देखना हाथ में सबसे ज्यादा खिंचाव आएगा, है ना, जब वो ऊपर जाएगा तो हाथ में कम खिंचाव आएगा, तो टेंशन आपकी जैसे जैसे ऊपर जाते हो आप तो टेंशन घटती है, एट लोएस्ट पॉइंट इट इज मैक्सिमम। ये आपने बताया अपने एक्सपीरियंस के आधार पर। अब आप एक एफ बी डी बना के मुझे बताएंगे, समझाएंगे कि ये कैसे कम हो रहा है, देखते हैं। लिख लिया है आपने, आप यहां से किसी एक जनरल एंगल थीटा पे हैं और वहां पे आपको देखना है टेंशन कितनी लग रही होगी। इस पॉइंट पे एफबीडी बनाते हैं, एक आपका एमजी है, टेंशन है, और इस समय आप वेलोसिटी मान लें, पार्टिकल की वेलोसिटी है वी। अगर ये एंगल थीटा है तो क्या ये एंगल भी थीटा रहेगा? हाँ जी थीटा रहेगा। आप इसका कंपोनेंट कर लें, इस साइड आ जाएगा एमजी कोस थीटा, इस साइड एम जी साइन थीटा। अगर ये सर्कल में मूव कर रहा है तो डेफिनेटली सेंटर की तरफ लगने वाली फोर्स बड़ी होगी, आपकी नेट फोर्स जो है वो सेंटर की तरफ एक्ट करेगी,
अगर सेंटर की तरफ एक्ट करेगी तो टी बड़ा होगा एम जी कोस थीटा से, तो नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्कल इज टी माइनस एम जी कोस थीटा। ये आ गया आपका एफ नेट, एफ नेट, एफ नेट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास एम है और एक्सेलरेशन वी स्क्वायर बाय आर है। यहां पे टेंशन बिकम्स, उसको सेट ले जाओ, एम जी कोस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर। यहां पे आपका मास कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है और रेडियस कांस्टेंट है, ये तीन टर्म्स कांस्टेंट, ये मास भी कांस्टेंट है, तो वी और थीटा वेरिएबल है। ठीक है, आप बताएं जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं तो क्या वेलोसिटी घट रही है? हाँ जी घट रही है प्रच, दिस कंपोनेंट इज डिक्रीजिंग। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो थीटा बढ़ रहा है क्या? अगर थीटा बढ़ रहा है तो कोस थीटा घटेगा या बढ़ेगा? कम होगा, थीटा बढ़ने पे आपका कोस थीटा घटता है तो ये टर्म भी घटेगा। तो जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं आपके दोनों टर्म घट रहे हैं, इसलिए आपकी टेंशन जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे आपकी घटेगी। ठीक है, आप लिख लें टेंशन विल डिक्रीज, टेंशन विल एज द ब्लॉक या मास एम मूव्स अपवर्ड। जो आप तीज पे झूला आपने वीडियोस देखी होंगी, झूलना तो अब बंद हो गया कम लगभग, तो झूला टूटता जो है ना वो मैक्सिमम टाइम लोएस्ट पॉइंट पे टूटता है ना। जब झूला आप देखना आगे आगे कभी ऐसे आए तो झूला नीचे टूटेगा आपका, क्योंकि वहां पे रस्से के अंदर टेंशन मैक्सिमम है। अगर रस्सा बारीक है कमजोर है ऊपर टूटता है क्या? नीचे टूटेगा, नहीं टूटेगा नहीं, अगर टूटता है, अगर आपका रस्सा मजबूत नहीं है तो टूटेगा, आपके वेट में तो नहीं टूटेगा। तो लोएस्ट पॉइंट पे आपकी टेंशन मैक्सिमम होती है, ये एक पॉइंट ये लिख लें, और दूसरा टेंशन इज, हाँ जी टेंशन इज मैक्सिमम एट लोएस्ट पॉइंट, टेंशन इज मैक्सिमम एट लोएस्ट पॉइंट। बाजा करना, ठीक है, इतना ही करते हैं आज। आपका इसमें एक टॉपिक और बचा है हल्का सा, वो हाँ चैप्टर बहुत छोटा ही है, वर्क पावर एनर्जी का पार्ट ही है, अपने आप में चैप्टर नहीं है, उसी का पार्ट एक तरीके से, तो आपको यही टॉपिक करना था। आपको असाइनमेंट मिल चुके हैं क्या? क्या करें बताता हूँ,